हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लाए हैं फिर एक हार्ट शेप में केक डेकोरेशन। तो सबसे पहले मैं फिलिंग कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कैसे फिलिंग राउंड शेप में। ये जो हम फिलिंग कर रहे हैं, ये जो साचे में आता है, इसका हमारे पास में साचा होता है, मोल्ड होता है, उसमें हम स्पंज को बनाते हैं। ये प्रोसेस होता है हमारा राउंड शेप को काट के उसको हार्ट शेप करने का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं क्यों नीचे से दोनों साइड से काट लिया हूँ थोड़ा थोड़ा, और उसको पीछे की तरफ लगा दूंगा क्रीम लगा के, फिर थोड़ा सा नीचे उसको हार्ट शेप का शेप दे दूंगा, उसके बाद में आइसिंग कर रहा हूँ। तो ये राउंड शेप में किलो का केक है, राउंड शेप था, उसको हम काट के हार्ट शेप किए हैं, अभी हम आइसिंग कर रहे हैं। तो ये आगे चल के आप केक देखेंगे कि चॉकलेट केक है, केजी चॉकलेट फ्लेवर में केक है। तो जब तक मैं आइसिंग कर रहा हूँ, तब तक आप कर लीजिए छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर, आपको ऐसे अलग अलग यूनिक डिज़ाइन देखने के लिए। अगर आपको अलग कोई डिज़ाइन पे केक डेकोरेशन देखनी हो तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, उन्हें जाके आप देख सकते हैं। तो आइसिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इस पे टफल चढ़ा देंगे। ये टफल का भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हूँ, आप चाहिए तो ये भी जाके देख लीजिए, और ना मैं दूसरा वीडियो भी इस पे टफल पे मैं बना के आपको दिखा दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से हमारा टफल गनाज बन जाता है। अभी थोड़ा सा सिंपल ना दिखे, इसके लिए हमने थोड़ा वाइट ग्लेज से इसमें डिजाइन मार दिया है। आपको डिजाइन कैसा लग रहा है ये बताना हमें, अगर ये ऐसा डिजाइन अच्छा लगे तो। और बाकी ये करने के बाद में हम इस पे दो फ्लावर्स रखेंगे और नीचे बॉर्डर लगा देंगे। नीचे बॉर्डर लगाने के बाद में हम इस पे दो फ्लावर रोजेस तीन फ्लावर रोजेस रख देंगे। जैसे कि मैं रोज बना रहा हूँ, छतरी पे बना रहा हूँ। ये स्टैंड आता है, इसको हाथ से पकड़ के फूल बनाना रहता है न्यूजल की मदद से। कि आप देख रहे हैं कि फ्लावर रखने के बाद में मैं वाइट और ग्रीन पत्ती मार दूंगा दोनों मिक्स करके, ताकि केक अच्छा लगे। बाकी केक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही नई वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। एक लास्ट बात और है कि अगर आप ये केक लेने जाते हो तो 1 केजी में आपको शॉप पे मिल जाएगा 800 रुपये में, 800 रुपये से 700 रुपये में।